हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मीनल वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू मेमोराइज विद मीनल। सो आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग फार्मेसी एंड एस्पेशली फॉर जीपेड एंड नेटवर्क सीकिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि कब होगा जीपेड 2022 एग्जामिनेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। सभी एस्पिरेंट्स जीपेट एग्जाम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है फर्दर आपकी स्टडीज़ के लिए। तो ये एग्जाम काफ़ी मायने रखता है सभी फाइनल ईयर फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। एंड इवन ऐसे बहुत सारे रिपीटर्स हैं जिन्होंने 2021 में जीपेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे और दे रियली वॉन्ट्स टू क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर। बट अभी तक एनडीए की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है जीपे 2022 एग्जामिनेशन को लेकर। आइदर दिस इज बिकॉज कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्प्रेडिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। आई नो मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो विच मीन्स कि गवर्नमेंट आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि स्टूडेंट्स के इम्पैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर केसेस राइज होंगे तो इट वुड बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द कंट्री। दैट्स व्हाई आपकी एग्जामिनेशन डिले कर दी गई है। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फेब में ही नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए क्योंकि हमें जिस हिसाब से डेटा मिल रहा है कि स्प्रेडेबिलिटी रेट कम हो रही है, कई कई जगह बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब ओपन हो गई हैं, तो हो सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन फेब के मंथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो हमारी एग्जामिनेशन थी फेबररी 2021 में जीपेट की और हमारे एग्जाम फॉर्म रिलीज हो गए थे दिसंबर 2020 में, विच मीन्स हमारे पास पूरे 2 महीने थे रिवीजन करने के लिए। विच मीन्स दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, पूरा टाइम था अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए और फेब में एक फास्ट रिवीजन की जरूरत थी ताकि फेब के लास्ट वीक आई मीन 28 फेब 2021 को हमारी एग्जामिनेशन थी। तो पूरा फेब था क्विक रिविजन के लिए एंड देन फेब में एग्जाम कंडक्ट होके ऑलमोस्ट 10 डेज बाद विच मीन्स मार्च में हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे हमारे पास इनफ टाइम था कि हम दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नाइबर जाना चाहते हैं, ICT मुंबई जाना चाहते हैं, बिट्स पिलानी जाना चाहते हैं और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेन भी जाना चाहते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन क्यों मायने रखता है क्योंकि इससे आपको 12,400 रुपीज मिलते हैं। आई मीन ये एग्जामिनेशन आपको सिर्फ 12,400 रुपीज स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको एलिजिबल बनाता है दूसरे एग्जाम्स के लिए। जैसे जो स्टूडेंट्स जीपेट क्वालिफाइड हैं वही स्टूडेंट्स नाइबर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ICT मुंबई में भी 2 कैटेगरीज है, एक उनका पर्सनलाइज एग्जामिनेशन है एज वेल एज एक उन स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है जो कि जीपेट क्वालिफाइड है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीपेट एस्पिरेंट्स जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी लेते हैं और उन्हें अपना पर्सनलाइज एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं। अगर हम बिट्स पिलानी की बात करें तो वहाँ पर भी 2 एग्जामिनेशन है, एक तो उनका पर्सनलाइज एग्जामिनेशन और दूसरा वो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई बच्चे हैं जो PHU जाना चाहते हैं वो भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये काफ़ी मायने रखता है कि आपकी जीपेट एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छी रैंक आनी चाहिए तभी आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और अपनी ड्रीम कॉलेज में जा पाएंगे। सो इस तरह से देखा जाए तो आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है कि आप कैसे आगे मूव ऑन करें। सो लेट्स से अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होते हैं फेब में, फेब के फर्स्ट वीक में अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, फी सबमिशन होगा, देन एरर करेक्शन विंडो ओपन होगी एंड देन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में ही प्रोसीजर कंप्लीट होके साइट क्लोज हो जाएगी एंड देन आपको इनफ टाइम मिलेगा, 2 या 2.5 महीने मिलेंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अगर फेब में ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो फेब एंड मार्च तो ये प्रोसीजर में चला गया, अप्रैल में आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है तो मई तक आपका रिजल्ट आएगा और मई में ही आपके बी फार्म के फाइनल के एग्जाम्स भी होते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा जीपेट का, नाइपर एग्जामिनेशन अपना नाइपर बोर्ड अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर देंगे एज वेल एज ICT मुंबई भी अपने फॉर्म्स रिलीज कर देंगे एंड देन ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो भी स्टार्ट कर देंगे अपना एडमिशन प्रोसीजर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त कैसे कोप अप करना है वो सिचुएशन को,
क्योंकि फाइनल ईयर बीफॉर्म एग्जामिनेशन भी बहुत ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन इतनी ईजी भी नहीं होती कि आप फटाफट क्रैक कर देंगे. सो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ द साइड्स. और दूसरी बात, जो स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाइड नहीं है उन्हें भी अपना पाथ क्लियर हो जाएगा कि भाई उन्हें आगे क्या करना है. आइदर वापस रिपीट करना है जीपैट एग्जामिनेशन और नॉन जीपैट एक्सेप्टिंग कॉलेजेस में जाना है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, या फिर कुछ और करियर में जाना है. सो जीपैट आपका एक पाथ क्लियर करता है वो क्या करना है क्या नहीं. मेरे पास इनफ टाइम था क्योंकि मेरी एग्जाम मार्च में ओवर हो गई थी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, कि इनफ टाइम था कि मैं अपना बीकॉम की एग्जाम जो कि मई में थी वो भी आराम से कर पाई, और नाइपर एग्जामिनेशन जो कि जुलाई में थी वो भी आराम से क्लियर कर पाई. लेकिन आपके पास बहुत कम समय रह जाएगा, सो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा. अभी से बहुत अच्छे से अपना रिविजन कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बार बार अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिवाइड किया है सेक्शंस, कौन से इवेंट्स में आपको पहले करने, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने, कौन से बाद में, उन सभी को आप ध्यान में रखकर अपना रिविजन स्टार्ट कर दीजिए. और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से रिवाइज कीजिए, थॉरली रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीपैट आपकी पूरे 4 सालों की मेहनत रिकॉग्नाइज करता है. वो देखता है कि स्टूडेंट को कितना पता है, कितनी उसके बेसिक नॉलेज क्लियर है. तो इसलिए उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करने हैं, मल्टीपल पेपर सॉल्व कीजिए. और आप चाहें तो बुक्स रेफर कर सकते हैं, जैसे ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, जीपैट ए कंपेनियन. इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं. आई नो ये बुक थोड़ी लेंदी है, बट इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये ज़रूर सॉल्व करने चाहिए. मोस्ट ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चन क्वालिटी है उनकी आंसर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो क्या कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं. देन बात करें आपकी बी फार्म एग्जामिनेशन की, तो मई में होंगी आपकी एग्जाम. ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस मई, अगस्त या फिर अप्रैल तक में कर ही देते हैं, तो आपको वो कोप अप भी करना होगा. और नाइपर के लिए भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. जो नाइपर एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीपैट खत्म होते ही आपका नाइपर एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे. मे जीपैट आएगा आपका क्लियर हो गया मई में, और नाइपर अपनी एग्जामिनेशन कभी डिले नहीं करते. तो नाइपर आपको पता है वो डिले नहीं करेगा, इसीलिए आपको पहले से ही करना पड़ेगा उसकी प्रिपरेशन भी. तो आपके हाथ में रह जाते हैं 2 से 3 महीने रिजल्ट के बाद, जीपैट के रिजल्ट के बाद. तो अभी से ट्राई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, चिल कीजिए. आई मीन आप अपना अगर पूरा 100% देंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे. एंड लेट्स वेट कि फैब में एनटी की वेबसाइट कुछ रिलीज करे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर कोई नोटिफिकेशन, ताकि आप मूव ऑन कर सकें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकें. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. I'm ready to answer your questions, and thank you so much for watching this video and share it if you like it. Thank you.